हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला डोसा। मसाला डोसा बनाने के लिए हमने उड़द की दाल, चने की दाल, तो जितने मात्रा में हम चावल लेते हैं जस्ट उसका हाफ हम उड़द की दाल लेते हैं, और उड़द की दाल का जस्ट हाफ हम चने की दाल लेते हैं, यही इनका रेशियो होता है। और एक चम्मच में मेथी डाल देती हूँ मैं, यही रेशियो लेकर के चलती हूँ और मेरे डोसे बहुत क्रंची बनते हैं। तो यहाँ हमने वॉश करके ओवरनाइट सोक्ड करने के लिए रख दिया था पानी में डाल करके। सुबह उठे तो इनका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करके और मिक्सी में हम इन्हें पीस लेंगे। तो मिक्सी में हमें इन्हें फाइन पेस्ट बन जाना चाहिए, इतना अच्छे से हमें पीसना है। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेकर के और धीरे धीरे करके मिक्सी में आराम से पीस लूँगी, जिससे कि इसका फाइन पेस्ट बन जाएगा। यहाँ अब मैं मिक्सी में इधर पीस रही हूँ। उसके बाद में इस सारे बैटर को मैंने एक बड़ी भगोनी में रख लिया, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो वो ऊपर आता है तो फिर निकल जाता है। तो यहाँ अब मैंने ढक करके ओवरनाइट ये फर्मेंट होने के लिए, देखिए जितनी क्वांटिटी होती है जस्ट उसका डबल हो जाती है। मेरा ज़्यादा बैटर नहीं था लेकिन फिर भी उसका डबल हो गया, और देखिए कितना अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है। तो ये मेरा बैटर रेडी है। बनाते समय मैं इसे थोड़ा पतला कर लूँगी, नमक डाल लूँगी। यहाँ मैंने वेजिस कट कर ली है, कद्दू, लौकी, प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च और भिंडी, गाजर, जो भी आपकी वेजेस अवेलेबल हो ना, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। तूर की दाल धो ली थी 2-3 बार, उसमें वेजेस डाली, हल्दी नमक डाला, पानी डाला, पतली सामरी अच्छी लगती है। और ये मैंने तड़के की तैयारी कर ली है, हींग, राई, खड़ी, लाल मिर्च और ये कड़ी पत्ता। ये इमली का पल्प है, गर्म पानी में इमली भुगो कर रख दी थी और इसे छान करके सांभर में डाल दूंगी। ये मैंने चटनी के लिए नारियल और मूँगफली भून ली थी। ये हरी मिर्च डाली, हींग डालूंगी, नमक डालूंगी इसमें, और मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में इसका पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी और तड़का सेम वही हींग, राई और कड़ी पत्ते और लाल मिर्च का इसमें तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ अब मेरी ये पिस करके रेडी हो गई चटनी। अब इसमें हींग, राई, खड़ी, लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का मैं तड़का लगा लूँगी। तो मेरी चटनी इन बनकर के रेडी हो गई है। उसके बाद में बाकी फिर अब तैयारियों में लग जाऊँगी। जैसे मैंने आलू बॉइल्ड होने के लिए रख दिए थे, तो फिर उन आलुओं को छील लिया है और उन्हें अच्छे से मैश कर लूँगी। ये मेरी चटनी रेडी है। अब ये प्याज, टमाटर, ये आलू में डालने के लिए, ये मेरी सांभर बॉयल हो गई है। अब से सांभर मसाला डालूँगी, इमली का पल्प छान कर डाल दूँगी और इसमें तड़का लगाऊँगी। हींग, राई, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च का मैं तड़का लगा लूँगी, और प्याज भून कर भी डाल दूँगी छोटे छोटे कट करके। ये इमली का पल्प था वो छान करके ये उसमें मैंने डाल दिया था। तो ये मेरी सांभर है, ये मैं तड़के के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं उड़द की दाल, चने की दाल और ये राई, हींग, ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब का मैंने तड़का लगाया था, कटी प्याज, कड़ी पत्ता और खड़ी लाल मिर्च। तो यहाँ मैं इसे मैं डाला और इन्हें अच्छे से भूनूंगी और मैं इसमें तड़का लगा लूँगी। तो यहाँ ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लास्ट में डालूंगी, जिससे कि कलर अच्छा आता है हमारी सांभर में। ये मेरी सांभर बनकर के रेडी हो गई है। अब मैं आलूओं की तैयारियों में लग जाऊंगी। स्टफिंग वाले आलू जो मसाला डोसा में भरते हैं, ये मूंगफली भून ली है, उसमें पड़ती हैं क्रंची, बीच में आती हैं, अच्छी लगती हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च है और हींग, राई डाला हमने, और फिर डालेंगे हम साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर हम इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर डालेंगे, प्याज भून लेंगे। प्याज हमें ज़्यादा नहीं भूननी है, बस ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक ही हमें भूननी है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और ये टमाटर, और टमाटर के ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि टमाटर गल जाएंगे। ढककर पका लेंगे, उसके बाद मैश किए हुए आलू हम इसमें डाल देंगे, और साथ में हम डालेंगे उसके ऊपर जो हमने मूंगफली भून करके रख ली थी उन्हें डाल लेंगे। तो यहाँ अभी मैं टमाटर ही भून रही हूँ और उसके ऊपर नमक डाला है और ये अच्छे से मैंने मिला दिया है, और ये आलू मेरे मैश किए हुए हैं, और थोड़ा सा टमाटर में नमक डाला, थोड़ा सा हमने आलू के ऊपर नमक डाला और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इन्हें ढककर पका लेंगे। भुनी हुई मूंगफली डाल दी, और जब ये अच्छे से पक जाएंगे ढककर हम 2-3 मिनट पका लेंगे, हमारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद में हमें हरे धनिया की पत्ती से इसे गार्निश कर लेंगे। ये हमारे स्टफिंग के लिए आलू तैयार हो गए हैं, ये बैटर तैयार है, ये सांभर तैयार है और चटनी हमारी रेडी थी। अब हम बनाने जा रहे हैं डोसा। डोसा बनाने के लिए बैटर को पहले पतला कर लिया है, उसमें नमक डाल लिया है। कंसिस्टेंसी देखिए जो है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ग्रीस किया है हमने
डोसा तवा को ऑयल से, और डोसा बनाने के लिए ना तवा ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, और इस तरीके से हम राउंड राउंड शेप में हम इस तरीके से तवा हमने डोसा बना लिया है। और जब ये थोड़ा थोड़ा सिकने लगेगा हल्का सा ऑयल साइड में डालेंगे, बहुत मामूली सा, जिससे शाइनिंग आ जाती है जब हम इसे पलटते हैं। बीच में हम ये देखिए ये सिक गया है, और बीच में हम ये स्टफिंग भरेंगे आलूओं की और इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। तो ये मेरा डोसा बन करके तैयार, ये फर्स्ट डोसा था, बाकी के डोसे और भी अच्छे बने थे। ये सांभर है और ये अदरक गंची बनाता है, ये नारियल की चटनी। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन।